हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। आज हम सीमेंट का एक टेस्ट देखेंगे कि हम उस टेस्ट को कैसे करते हैं। तो इस टेस्ट का नाम है फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो इसके अंदर हम देखेंगे फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट में हम क्या करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो इसके अंदर हम सीमेंट को देखते हैं कि वो कितना फाइन है। उसके लिए मैं एक सीव यूज़ करता हूँ। ये 90 माइक्रोन की सीव होती है जिसको मैं इस टेस्ट में यूज़ करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे 90 माइक्रोन, ये 90 माइक्रोन की सीव होती है। इसमें से मैं सीमेंट को पास करवाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि कितना सीमेंट इसके ऊपर रिटेन करता है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं अपनी फाइननेस परसेंटेज निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाना चाहूँगा कि इट इज़ यूज टू फाइंड द फाइननेस ऑफ सीमेंट। तो इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है मैंने सीव यूज 90 माइक्रोन और इस सीव को हम हमें शेक करना है 10 मिनट के लिए। तो हम टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं 100 ग्राम सीमेंट ले लेता हूँ ओपीसी। मैं ओपीसी सीमेंट का 100 ग्राम का सैंपल ले लेता हूँ और उसको इस 90 माइक्रोन की सीव में से उसको फिर मैं पास करवाता हूँ। यह तो ये मेरे पास 100 ग्राम मेरे पास ये सीमेंट है। मैंने इसको इस सीव के ऊपर डाल दिया। तो अब मैं इस सीव को 10 मिनट के लिए शेक करूँगा ऐसे, जिससे क्या होगा कि सीमेंट इसमें से पास हो जाएगा, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं। तो 10 मिनट शेक करने के बाद जितना सीमेंट इसके ऊपर रिटेन करेगा उसको मैं नोट कर लूँगा, फिर उसके कॉरस्पॉन्डेंस मैं फाइननेस परसेंटेज निकाल लूँगा। तो सपोज़ अगर मेरे पास इस 10 मिनट शेक करने के बाद इस सीव के ऊपर 3.5 ग्राम अगर मेरा सीमेंट रिटेन किया है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे मैं फाइननेस परसेंटेज निकालता हूँ। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, फाइननेस परसेंटेज इज इक्वल टू रेजिडुअल सीमेंट ऑन सीव इन ग्राम डिवाइडेड बाय इनिशियली टेक सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे मेरा रेजिडुअल, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 मिनट शेक करने के बाद मेरी सीव के ऊपर रिटेन किया 3.5 ग्राम और मेरा इनिशियल था 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा हो गया 3.5%। तो 3.5% इसकी फाइननेस आई है सीमेंट की। तो यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि रिटेन्ड सीमेंट ऑन सीव शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ टोटल वेट ऑफ सैंपल। कि जो सीव के ऊपर, जैसे यहाँ पे 3.5 ग्राम रिटेन किया था, कि टोटल सैंपल का 10% से ज़्यादा अगर सीव के ऊपर रिटेन हो रहा है तो वो मेरा सीमेंट अच्छा नहीं है, उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। कि वो फाइन नहीं है प्रॉपर, उसका साइज प्रॉपर नहीं है, वो थोड़ा कोर्स सीमेंट है आप बोल सकते हो। तो ये पॉइंट्स आप थोड़ा ध्यान रखना। मैं इसमें 90 माइक्रोन की सीव यूज़ करता हूँ और 10 मिनट के लिए शेक करता हूँ और मेरा 10% से ज़्यादा अगर वेट उसके ऊपर रिटेन कर रहा है तो वो मेरा सीमेंट अच्छा नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।